डीएमएन सीन शैडो के एपिसोड 8 में हम लोग देखते हैं कि नकली शैडो गार्डन कागनो के क्लासरूम में अटैक कर देती हैं। कागनो ने देखकर कहते हैं ये लोग तो सच्ची में आ गए, यही तो हर एक लड़की का ड्रीम होता है। ये ड्रीम की टेररिस्ट एक बार उसके स्कूल के ऊपर अटैक करे। कागनो सोचते हैं कि मेरे सामने काफी पॉसिबिलिटीज है, मुझे क्या करना चाहिए। कागनो देखता है कि कोई भी मैजिक का यूज नहीं कर पा रहा होता है। वहीं पर एक बंदा रोज के ऊपर अटैक कर देता है। उसे देखकर कागनो कहता है कि मैं रोज को नहीं मरने दे सकता हूं, और वो रोज को धक्का मार के खुद सामने आ जाता है। और अब कागनो कहता है कि टेररिस्ट के हाथों जो पहला पर्सन मरेगा वो एक बैकग्राउंड कैरेक्टर होना चाहिए। ऐसा बोलने के बाद टेररिस्ट का अटैक जाकर सीधा कागनो को लगता है और कागनो नीचे जमीन पर गिर जाता है। और अब कागनो कहता है ये परफेक्ट है। और अब वो गिरा होता है तभी उसके पास रोज आती है और कहती है कि तुम बीच में क्यों आए, क्या तुम पागल हो। और अब कागनो कहता है मैं मर गया। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। ये देखकर रोज की आंखों में से आंसू आने लगते हैं और वो कहती है मैं समझ गई, तुम मेरे बारे में चिंता करते हो, तुम उसे इतना ज्यादा प्यार करते हो कि तुमने अपनी जान मेरे को बचाने के लिए गवा दी। और अब वो बंदा रोज के सामने अपनी तलवार रख के कहता है कि हम लोग ऑडिटोरियम जा रहे हैं, और अगर तुम लोग नहीं चाहते कि तुम्हारा हाल भी ऐसा हो तो तुम लोग चुपचाप हमारे साथ चलो। और अब वहीं पर रोज कागनो का शुक्रिया करती है और अब सभी स्टूडेंट ऑडिटोरियम की तरफ जाने लगते हैं। वहीं ऑडिटोरियम में हम लोग उसी नाइट को देखते हैं और एक और बंदे को देखते हैं, जिसके बाद हमें कागनो को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ को उठाकर अपने छाती के लेफ्ट साइड में काफी जोर जोर से मार रहा होता है। और फिर कागनो को होश आ जाता है और वो कहता है ये काम कर गया, उसने एक बैकग्राउंड कैरेक्टर सीक्रेट टेक्निक 10 मिनट डेथ हार्ट ब्रेक का यूज किया। उसने अपने मैजिक का यूज किया ताकि वो मैजिक के फ्लो को कंट्रोल कर सके, जिससे कि उसकी हार्ट बीट रुक भी गई तो उसके ब्रेन में ब्लड का फ्लो चलता रहेगा। और ये टेक्निक यूज करने में अगर एक भी गलत स्टेप होता तो कागनो सही में मर जाता। कागनो कहता है कि ये एक हाई रिस्क मूव है, लेकिन बैकग्राउंड कैरेक्टर होने के नाते काफी बार ऐसा समय आएगा जब उसे खुद को मारना पड़ेगा। कागनो देखता है कि उसका मैजिक अभी भी अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है, लेकिन वो अगर अपने मैजिक को पतले धागे की तरह यूज करेगा तो वो ठीक रहेगा। और अब कागनो ऐसा ही करता है और वो अपने चोट को भी इसी तरीके से ठीक कर लेता है। और अब वो कहता है कि उन लोगों ने पूरा मैजिक ब्लॉकिंग सिनेरियो बना लिया, मैं इनको इग्नोर तो नहीं कर सकता। ऐसा बोलने के बाद वो अपने कोट को उठाकर कहता है चलो चला जाए। और अब दूसरी साइड हम लोग शेरी को देखते हैं जो कि आर्टिफैक्ट के ऊपर रिसर्च कर रही होती है और उसे उस आर्टिफैक्ट के सीक्वेंस के बारे में पता लग जाता है। तभी अचानक से एक बंदा खिड़की तोड़कर अंदर आ जाता है। शेरी उसको देखकर घबरा जाती है और जल्दी से उस आर्टिफैक्ट को उठाकर पीछे हट जाती है। वो बंदा शहरी से कहने लगता है कि हम लोग शैडो गार्डन है, लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं शहर से हम लोग शैडो गार्डियन है। और वो कहते हैं छोड़ो चाहे कुछ भी हो, मैं हूँ रेक्स गेम ऑफ बिट्रेयल। वो शहरी से कहते हैं मेरी जॉब तुमसे ये आर्टिफैक्ट लेना है, और जब मैं ये काम कर लूंगा मेरे बॉस ने मुझे कहा है कि जितनी तबाही मुझे मचानी है मैं मचा सकता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो शहरी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर शहरी के बॉडीगार्ड नाइट आकर शहरी को बचा लेते हैं। रेक्स उसे देखकर कहता है कि तुम बिना मैजिक के भी काफी अच्छे लड़ सकते हो, जिस पर वो कहते हैं कि हमारा मैजिक ही सब कुछ नहीं है, अगर हमारा अपोनेंट वीक हो तो हम लोग अपने अपोनेंट के किसी भी अटैक को देख सकते हैं। रेक्स ये सुनकर हंसने लगता है और कहते हैं तुमने कहा तुम्हारा अपोनेंट वीक हो तो। और अब वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम उससे बेहतर हो, पर बॉडीगार्ड नाइट कहते हैं हाँ। तो रेक्स कहते हैं अगर ऐसा है तो तुम मुझे अपना नाम बताओ, तो वो बताते हैं कि उसका नाम ग्लेन है और वो क्रिम्सन ऑर्डर का वाइस कमांडर है। वहीं पीछे हम लोग देखते हैं मार्को भी एक अपोनेंट से लड़ रहा होता है और अब वो शेरी से कहने लगता है यही तुम्हारा मौका है यहाँ से भाग जाओ। और अब शेरी उसकी बात मान के वहां से भाग जाती है। जैसे शेरी वहां से भाग रही होती है तभी मार्को की आवाज आती है जो कि वाइस कमांडर चिल्ला रहा होता है, लेकिन शेरी पीछे मुड़कर नहीं देखती है और वो तेजी से चलने लगती है। वहीं हम लोग टेरेस पर कागनो को देखते हैं जो कि खड़ा रहता है। वो कहते हैं कि सभी होस्टेजेस को ऑडिटोरियम में कैप्चर कर रखा है और सारी सिक्योरिटी को भी खत्म कर दिया है, और जो नाइट ऑर्डर है वो सपोर्ट देने के लिए आए तो हैं, लेकिन मैजिक ब्लॉक होने के कारण वो लोग अंदर नहीं आ रहे हैं। और कुछ टेररिस्ट स्कूल के अंदर राउंड भी लगा रहे हैं ताकि वो लोग ये देख सके कि कोई बच्चा स्कूल के अंदर छुपा तो नहीं हुआ। ये देखकर कागनो कहता है ये कितनी खूबसूरत दृश्य है, और यहाँ पर मैं एमिनेंस इन शैडो जो कि छत पर खड़ा होकर इन सब चीजों का मजे ले रहा है। और अब कागनो कहता है कि उसकी बैकग्राउंड कैरेक्टर की लिस्ट में से एक और चीज पूरी हो चुकी है। और अब कागनो कहते हैं इनका प्लान अच्छा है, लेकिन इन लोगों के अंदर एक कमी है, इन लोगों को खूबसूरती की कोई भी सेंस नहीं है। दिन में ये लोग काले कपड़े डाल रहे हैं, क्या तुम्हें प्रॉपर सेंस भी है कि कब और कहां ये पहना जाता है। और अब तुम लोगों को देखकर लगता है कि तुम सभी लोग लूजर्स हो जिनको नहीं पता कि पहना क्या जाता है। और अगर तुम लोग ब्लैक लंबा कपड़ा डाल के ये काम करने वाले थे तो तुम्हें ये सब रात में करना चाहिए था, और अगर तुम लोग ऐसा कर रहे हो तो मुझे भी चीजों को धीरे धीरे रात तक करना पड़ेगा। ऐसा बोलने के बाद कागनो अपने मैजिक से एक बो बनाता है और सभी टेररिस्ट को मारना शुरू करता है। और अब कागनो देखते हैं कि एक पिंक हेयर लड़की इस तरीके से भाग रही है कि उसे देखकर लगता है कि वो
भीख मांग रही है कि उसे कैप्चर कर लिया जाए। जहाँ से देखने के बाद कागनो को पता लगता है ये तो शेरी है जो कि उन टेररिस्ट से बचने की कोशिश कर रही है। और अब कागनो कहते हैं, क्यूट शेरी, मुझे पता है कि तुम छुपने की कोशिश कर रही हो लेकिन सभी लोग तुम्हें देख सकते हैं। वहीं एक टेररिस्ट शेरी के पास आ ही रहा होता है लेकिन कागनो से मार देता है और शेरी भी वहां से आगे बढ़ने लगती है। और अब कागनो कहता है कि मेरे अंदर का बैकग्राउंड कैरेक्टर सेंस मुझे बता रहा है कि जो मेन स्टोरी है वो प्रोग्रेस हो रही है और जब ये स्टोरी क्लाइमेक्स के पास पहुंचेगी तभी तो एमिनेंस इन शैडो अपना डैशिंग अपीयरेंस देगा। वहीं शेरी दौड़ रही होती है और उसके चप्पलों में से काफी ज्यादा शोर हो रहा होता है। सभी टेररिस्ट उसकी तरफ आ रहे होते हैं लेकिन कागनो उसे हमेशा बचा लेता है उन टेररिस्ट को मारकर। वहीं शेरी रेक्स की बात को याद करती है जहाँ पर रेक्स कह रहा होता है कि तुम बिना मैजिक के भी काफी अच्छे हो। शेरी सोचती है कि वो लोग आर्टिफैक्ट का यूज कर रहे होंगे इसलिए उन लोगों को इसकी जरूरत है। और अगर मैं फादर के रूम में पहुंच गई तो वहां पर मुझे डॉक्यूमेंट्स में कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। शेरी ये बात सोच रही होती है तभी एक टेररिस्ट उसका पीछा कर रहा होता है लेकिन कागनो अपने मैजिक से वो टेररिस्ट को वहां से ले जाता है। शेरी को लगता है कि उसके पीछे कोई है, जैसे वो पीछे मुड़ती है वहां पर कोई नहीं होता है, जिसको देखकर वो कहती है लगता है मेरे को कोई वहम था। और अब शेरी आगे बढ़ने लगती है लेकिन सीढ़ियों पर उसका पैर फिसल जाता है और वो जमीन पर गिरने लगती है लेकिन वहां पर कागनो आके उसे और आर्टिफैक्ट को बचा लेता है। शेरी को वो आर्टिफैक्ट पकड़ा देता है जिस पर शेरी कागनो का शुक्रिया करती है और वो कागनो की चोट को देखकर कहती है कि तुम्हें तो चोट लगी है, जिस पर कागनो कहते हैं तुम चिंता मत करो मैं जादुई तरीके से एक फेटल अटैक से बच गया लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि मैं तुम्हें कुछ बातों के बारे में बताऊं। सबसे पहले तो तुम खुद से ज्यादा तेजी में बात मत करो और चीजों के बारे में सोचना और चलना एक साथ मत करो और एक बार ध्यान दो कि आखिरकार तुम चल कर रही हो। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज तुम इन आवाज करने वाली चप्पलों को उतार दो। शेरी भी उन चप्पलों को उतार देती है और अब वो लोग शेरी के डैड के ऑफिस में आ जाते हैं। कागनो कहता है कि लगता है असिस्टेंट प्रिंसिपल यहाँ पर नहीं है, जिस पर शेरी कहती है कि मैं होप करती हूँ कि वो यहाँ से सेफली निकल गए हों। और अब शेरी को वही डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं जिसका वो ढूंढ रही होती है तो कागनो पूछता है ये क्या है तो वो बताती है कि इस आर्टिफैक्ट का नाम आई ऑफ एवरेंस है और इसी की वजह से मैजिक ब्लॉक हो रहा है। ये आर्टिफैक्ट अपनी रेंज में आने वाले किसी भी डार्क नाइट या फिर किसी भी मैजिकल आइटम के मैजिक को एब्जॉर्व कर लेता है जिससे कि मैजिक यूज करना मुश्किल हो जाता है। तो कागनो कहते हैं लेकिन जो काले कपड़े में जो लोग आए थे वो तो मैजिक बिना किसी दिक्कत के यूज कर पा रहे हैं। तो शेरी कहती है कि इस आर्टिफैक्ट को इस तरीके से प्रोग्राम किया जा सकता है कि जिस भी पर्सन का हम लोग मैजिक नहीं एब्जॉर्व करना चाहते हम लोग उसका करें, नहीं तो जो भी इस आर्टिफैक्ट को यूज करेगा वो उसी के मैजिक को एब्जॉर्व कर लेगा। और अब कागनो पूछता है कि क्या ये किसी भी मैजिक को एब्जॉर्व करेगा जो इसकी मेमोरी में रिकॉर्ड नहीं किया गया हो, जिस पर शेरी बोलती है मुझे नहीं पता। वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि आर्टिफैक्ट छोटे मैजिकल ट्रेसेस को डिटेक्ट कर सकता है और ना ही पावरफुल स्पेल, लेकिन कोई भी ह्यूमन जिंदा नहीं है जो कि इस तरीके के मैजिक को यूज कर सके। शेरी बताती है कि जब इस आर्टिफैक्ट की कैपेसिटी पूरी हो जाती है मैजिकल एनर्जी को एब्जॉर्व करने की तो वो एक साथ सारी एनर्जी को रिलीज कर देता है एक बड़े ब्लास्ट की तरह। और अब वो कागनो से कहती है कि तुमने मुझे बताया कि सभी स्टूडेंट को ऑडिटोरियम में रखा गया है और अगर वो लोग एक साथ सारे मैजिक को एब्जॉर्व करना चाहते हैं तो वो लोग उस आई ऑफ एवरेंस को ऑडिटोरियम में ही रखेंगे ताकि वो आई ऑफ एवरेंस डार्क नाइट से काफी सारा मैजिक एब्जॉर्व कर सके। लेकिन जब आई ऑफ एवरेंस की कैपेसिटी फुल हो जाएगी तो ये सारी एनर्जी को एक बार में रिलीज कर देगा और काफी बड़ा ब्लास्ट होगा। कागनो कहता है इसका मतलब तो पूरा स्कूल ही उड़ जाएगा, जिस पर शेरी कहती है हाँ। और वो बताती है कि आर्टिफैक्ट इतना ज्यादा खतरनाक है इसी की वजह से उसके डैड ने इस आर्टिफैक्ट को गवर्नमेंट के हवाले कर दिया था। ये सुनकर कागनो कहते हैं इसका मतलब तो एक और आर्टिफैक्ट है या फिर वही वाला आर्टिफैक्ट किसी ने चोरी कर लिया। तो कागनो से पूछते हैं कि क्या कोई तरीका है जिससे कि हम लोग इससे लड़ सकते हैं, जिस पर शेरी कहती है हाँ जो आर्टिफैक्ट हमारे पास है हम लोग उससे इसे लड़ सकते हैं। वो बताती है कि ये आर्टिफैक्ट आई ऑफ एवरेंस का कंट्रोल यूनिट है। रिसर्च करने के बाद मुझे पता लगा कि आई ऑफ एवरेंस आर्टिफैक्ट के साथ यूज किया जाना था जिससे कि ये लॉन्ग टर्म मैजिकल स्टोरेज की तरह काम करे। कागनो कहते हैं लॉन्ग टर्म स्टोरेज, तो क्या हम लोग उस आई ऑफ एवरेंस को एनर्जी निकालने से रोक सकते हैं, जिस पर शेरी कहती है हाँ अगर हम लोग इस टेक्नोलॉजी को वापस से रिक्रिएट कर पाएंगे तो हम लोग ऐसा कर सकेंगे। और अब कागनो से पूछता है तो तुम करने क्या वाली हो, जिस पर वो कहती है जैसे मैं इस आर्टिफैक्ट को डिकोड कर लूंगी मैं इसे बेसमेंट के जरिए ऑडिटोरियम में ले आऊंगी। कागनो पूछता है बेसमेंट, तो शेरी बताती है कि पूरी एकेडमी की फैसिलिटी एक हिडन टनल से कनेक्टेड है ताकि इमरजेंसी में बेसमेंट को एस्केप रूट की तरह यूज किया जा सके। और अब शेरी कहती है कि अगर वो इस आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट करके उसे आई ऑफ एवरेंस के पास ले जाए तो वो उस आई ऑफ एवरेंस को काम करने से रोक सकता है। ये सुनकर कागनो कहते हैं जितना मैंने सोचा था उससे ठीक ठाक ये प्लान है, लेकिन जो लास्ट पार्ट है वो थोड़ा वीक है, लेकिन कोई बात नहीं वही मेरा चांस है शेडो बनकर तबाही मचाने का। और अब शेरी कहती है लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये सब काम करने के लिए मुझे जो टूल्स लगेंगे वो मेरे ऑफिस में ही पड़े हैं। तो कागनो कहता है मैं उन्हें लेकर आता हूँ, तो शेरी कहती है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तुम्हें वैसे ही चोट लगी हुई है। तो कागनो कहते हैं मुझे वैसे भी वॉशरूम जाना है और तुम्हारा ऑफिस रस्ते में पड़ेगा तो मैं ले आऊंगा। और अब ये सुनकर शेरी खुश हो जाती है। वहीं ऑडिटोरियम में हम लोग रेक्स को देखते हैं जो कि कहता है कि एकेडमी के ऊपर टेक ओवर करने का पार्ट तो पूरा हो चुका है और बाकी नाइट्स भी बाहर फंसे हुए हैं, वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे हमारा। जिस पर दूसरा बड़ा नाइट कहता है मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम ये बताओ कि तुम आर्टिफैक्ट लेकर
यार क्यों नहीं आए। ये सुनकर रेक्स कहता है ओ वो आर्टिफैक्ट मुझे पता है कि वो उस लड़की के पास है। और अब वो नाइट काफी गुस्से में रेक्स से कहता है कि तुम वो आर्टिफैक्ट नहीं लाए जिसकी वजह से तुम्हें पता है कि कितनी ज्यादा प्लान में दिक्कत आ रही है और अगर रेक्स तुमने एक और गलती करी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। रेक्स घबरा जाता है और कहते हैं इतने गुस्सा होने की क्या जरूरत है मैं अभी वो आर्टिफैक्ट लेकर आता हूँ। जाते जाते रेक्स कहते हैं कि किसी ने हमारे स्ट्रॉन्ग बंदों को मार दिया है और देखकर लगता है कि अभी भी स्कूल के अंदर एक असली फाइटर छिपा हुआ है और तुम समझ ही सकते हो कि वो कौन है। ये सुनकर वो नाइट कहता है ओ फाइनली शैडो गार्डन आ ही गए। और अब वो आई ऑफ एवरेंस को देखकर कहता है मैं फाइनली नाइट्स ऑफ राउंड के अंदर वापस जा पाऊंगा। और अब रेक्स कुछ लोगों के साथ आर्टिफैक्ट ढूंढने के लिए निकल जाता है जहाँ पर वो देखता है कि बाकी सभी लोग तो गायब हो जाते हैं। तभी कागनो उसके सामने आकर उसके ऊपर हल्का सा हाथ मारता है जिससे कि वो दूर जाकर गिर जाता है। और अब रेक्स खड़ा होकर एक नेट लगा लेता है और कहते हैं भले तुम कितने भी तेज हो तुम मेरे नेट से नहीं बच सकते हो। लेकिन कागनो उसके नेट के अंदर ही होता है और उसको एक लात मारता है। और अब रेक्स कंफ्यूज होकर कहते हैं आखिरकार तुमने मेरे नेट में मेरे ऊपर हमला कैसे किया। और अब वहां पर कागनो आकर उसे लात मारता है जिससे कि रेक्स जाकर एक क्लास में गिरता है। रेक्स सोचने लगता है कि आखिरकार तुम कौन से आर्टिफैक्ट का यूज कर रहे हो। जब रेक्स साइड में देखता है तो उसे पता लगता है काफी सारे उसके ग्रुप के लोग वहीं पर मरे हुए हैं। वहीं वो चिल्ला के कहते हैं आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। वहीं कागनो ऊपर से उसको कहता है तुम काफी ज्यादा ऑसम हो और फिर उसके बाद वो रेक्स को मार देता है। वहीं शेरी के ऑफिस में हम लोग देखते हैं कि न्यू ग्लेन की आंखें बंद करके कहती है कि तुम्हारे जैसा प्रेस्टिजियस नाइट भी उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाया। और अब वो मार्को को देखकर कहती है तो तुम अब क्रिम्सन ऑर्डर में हो। और अब वो एक वेपन निकाल लेती है। तभी वहाँ पर कागनो आ जाता है और उसे कहता है कि तुम क्या कर रही हो। तो नू बताती है कि मार्को उसका फियोंसे है। जिस पर कागनो कहता है तो तुम उसके साथ क्या करने वाली थी। जिस पर वो कहती है कि पर्सनली उसके पास कोई भी रीजन नहीं है उसको कुछ करने के लिए। जिस पर कागनो कहता है मुझे लगता है कि तुम कुछ ना ही करो वही ठीक रहेगा। और अब वो कहती है देरी के लिए माफी चाहती हूँ लेकिन मेरे पास एक रिपोर्ट है। और अब वो बताती है कि असली शैडो गार्डन एकेडमी में पहुंच चुके हैं और वो सिर्फ कागनो के ऑर्डर का वेट कर रही है। लेकिन अभी अटैक करना जब मैजिक ब्लॉक है ये थोड़ा सा रिस्की है। और वो बताती है सिर्फ और सिर्फ 7 शैडो ही अपने स्टैंडर्ड लेवल के साथ लड़ सकती है और वो पूरे कैपिटल में एक ही है और वो है गामा। कागनो कहते हैं लेकिन गामा के पास कोई भी लड़ने की पावर नहीं है। न्यू कहती है मैं खुद भी अपनी आधी पावर यूज नहीं कर पा रही हूँ। वो बताती है कि लेडी गामा ने ही अभी कमांड ले रखा है और उसने प्रिडिक्ट किया है कि जो मैजिकल पावर की रेस्ट्रिक्शन है वो थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगी। और कल्ट ने अभी तो कोई भी मूवमेंट नहीं करी है देखकर लगता है कि वो अपने डिफेंस को बढ़ाने में लगे हुए हैं। और अब कागनो नू से कहता है कि क्या तुम कुछ आइटम ढूंढने में मेरी मदद करोगी। और अब नू भी कहती हाँ। और अब कागनो नू की मदद से काफी सारे आइटम्स को कलेक्ट कर लेता है। और अब नू कागनो से पूछती है कि आपको इतनी सारी चीजों की जरूरत क्या है। जिस पर कागनो कहते हैं हम लोग आर्टिफैक्ट के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। और अब वो नू को बताते हैं कि हमारा मैजिक आई ऑफ एवरेंस के द्वारा ब्लॉक किया जा रहा है। अगर हम लोग इसको आर्टिफैक्ट के सामने लाएंगे तो ये जो आई ऑफ एवरेंस है ये काम करना बंद कर देगा। ये सुनकर नू कहती है ये तो काफी मुश्किल काम है इसके लिए तो किंगडम में सबसे ज्यादा बेस्ट नॉलेज वाले लोग चाहिए। लेकिन आप इस तरीके से कह रहे हैं कि आपके लिए ये काम काफी ज्यादा इजी हो। और अब कागनो वहां से जाने लगता है और कहते हैं कि रात तक वो आर्टिफैक्ट पूरा हो जाएगा। न्यू भी कहती है तब तक के लिए हम लोग अटैक की पूरी तैयारी भी कर लेंगे। और वो मार्को की तरफ देखकर कहती है कि एक और दिन तुम्हारी जान बच गई। और एपिसोड की एंडिंग में हम लोग शेरी को देखते हैं जो कि आर्टिफैक्ट के ऊपर रिसर्च कर रही होती है। और एपिसोड हो जाता है यहीं पर खत्म।